हर दोस्तों दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है। काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसका मतलब है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होने वाला है, तो आप जहां से भी है ऑल ओवर इंडिया से इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए आई है। तो क्या क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन इसको फिल आउट कर सकता है, सभी कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब के अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है ICSI, ठीक है ना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले पर। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो इनका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा अच्छी कंपनी है, अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में काम कर चलता है इनका, तो आपको इसमें जरूर से अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है करियर, करियर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए आप। फिर आपके पास इस तरीके से जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने यहाँ पर दिखती है। क्लिक हियर टू व्यू करियर अपॉर्चुनिटी, तो ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आपकी पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है यहाँ पर सिविल इंजीनियर की, लेकिन जो आपके मतलब कहाँ पर आपको रखा जाएगा उसके लिए आपको बोला गया है न्यू दिल्ली, नोएडा, मानेसर, कोलकाता, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोची, मुंबई, भोपाल। तो काफी बढ़िया सेक्टर है, अलग अलग स्टेट में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है ना, इस पर द रिक्वायरमेंट। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका प्रूफ रीडर के लिए भी निकली हुई है, सिविल इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकली हुई है। तो प्रूफ रीडर से हमें मतलब नहीं है, हम बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए। अब आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को देख के यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। यदि आप इसमें 1, 2, 3 साल काम कर लेते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां पर आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है 33,000 से 40,000 रुपए पर मंथ। मैक्सिमम एज की बात कर ले तो 40,000 रुपए, सॉरी 40 ईयर है आपकी मैक्सिमम एज। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है, ठीक है ना। फ्रेशर एक्सपीरियंस सब अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फॉर्म को फिल करने की जो डेट है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 17 तारीख लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी 6 से 7 दिन है, आप इसको आराम से बैठ के भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके पास विंडोज एक्सप्लोरर या फिर क्रोम होना चाहिए, आप मोजिला जैसे ब्राउजर से आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आपको सारी चीजें देखना है उसमें आपको, अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की। तो देखिए सिविल इंजीनियर्स के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकली हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ठीक है। इनिशियल पोस्टिंग आपकी नोएडा के ऑफिस में होगी, फिर आपको सिलेक्ट, जो भी सिलेक्टेड होगा कैंडिडेट उसको कोलकाता, मानेसर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोची, मुंबई, भोपाल और इंडिया के किसी भी प्लेस पर भेजा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास अच्छा मौका है यहाँ पर अप्लाई करने का। पे आउट आपके वो बताया गया हमने 33,000 40,000, मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ईयर, ठीक है ना। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का पीरियड होगा, पहले आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, फिर आपको इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया जाएगा कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 साल भी आपको काम करने का मौका मिल जाए, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगता कि आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ज्यादा नहीं मांगा गया। BE/BTECH सिविल इंजीनियर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, ठीक है ना। AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए या UGC होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 2 ईयर। मतलब यदि आपके पास 1 साल 2 साल या 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि फ्रेशर मे नॉट बी अप्लाई। तो आप, हो सकता है कि यदि उनके पास कैंडिडेट कम आते हैं तो फ्रेशर को भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है तो आप जरूर से इसको फिल कीजिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आपको यहाँ पर सभी काम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही काम करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम करना है, सुपरविजन का काम करना है, डे टू डे आपको मॉनिटरिंग करना है किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है वर्क की, किस तरीके से क्वालिटी चेक करना है आपको, मेंटेनेंस देखना है, ठीक है ना। सभी कुछ, इन सभी पे वीडियो हमने बना रखी है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से बिल बनाया जाता है, किस तरीके से आपको RCC वर्क पे कॉन्क्रीट पर मेंटेनिंग करना है, किस तरीके से आपको सिल्टिंग चेक करना, मतलब
एक सिविल इंजीनियर का जो काम होता है वो चीज आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। फिर बात करें, यदि आपने कॉलेज में रहकर या किसी वेकेशन में आपने कोई ट्रेनिंग करी है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वो एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपको पता है 17 तारीख होने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इन्होंने एक चीज बोली कि जब भी आप फॉर्म को फिल करें तो आपको इन मार्क्स का यूज नहीं करना है, इनवर्टेड कॉमा स्लेस डॉट इनका काम नहीं करना है, ठीक है। और जो आप रिज्यूम अपलोड करेंगे उसको 100 KB तक ही रखना है, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आती है जब फॉर्म भरने बैठते हैं तब उनको समझ में आता है कि हमें ये चीज नहीं करना है, तो आप पहले से इन चीजों को समझ लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। अब आपके पास कंप्यूटर की एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, तो आपको भी यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्लिक ऑनलाइन रिज्यूम सबमिशन क्लिक किया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। देखिए ये हम अभी यहाँ पर मोजिला में काम कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं होगा, यही चीज उन्होंने पहले बोला, तो आपको यहाँ पर क्रोम से ध्यान रखना है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन होता है, उसके बाद आपको वहां पर सिविल इंजीनियर वाली पोस्ट पर क्लिक करके सारे फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।